जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम अटकलें अब समाप्त हो चुकी हैं। जी हां, मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया गया है। वहीं मोदी सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है और इसी बीच आतंकवादी हमले की आशंका और नियंत्रण रेखा पर तनातनी बढ़ने के बीच कश्मीर घाटी में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती और भी बढ़ा दी गई है। अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के संकल्प का सपा और बसपा ने राज्यसभा में समर्थन किया है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें एक बेहद ऐतिहासिक फैसला आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 पूरी तरह से हटा दी गई है और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 में इस बदलाव को मंजूरी भी दे दी है। हालांकि शुरुआत में बेहद जबरदस्त हंगामा यहां पर संसद में देखने को मिला, लेकिन आखिरकार इस कानून को, इस संशोधन को खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बेहद बड़ा फैसला आज सामने आया है। लगातार तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और सभी के जहन में एक ही सवाल था कि जम्मू कश्मीर में क्या बड़ा होने वाला है और इसका जवाब आज गृह मंत्री अमित शाह दे चुके हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला आज आया है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 एक के अलावा सभी खंड खत्म होंगे और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है। बेहद बड़ा और ऐतिहासिक ये फैसला है। कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड एक के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बेहद सरल भाषा में समझा दें कि ये ऐतिहासिक फैसला क्या है और क्या कुछ परिवर्तन अब देखे जाएंगे। जी अनिल जी, सबसे पहले तो मैं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है जी, उस नारे को याद करना चाहूंगा कि वास्तव में आज जो उन्होंने ये कदम उठाया है केंद्र सरकार ने, वो ये साबित करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये और किसी के बस की बात नहीं थी, कोई और ऐसा साहस नहीं कर सकता था जैसा साहस। अब ये साहस है या दुस्साहस ही समय बताएगा जी। लेकिन उन्होंने कश्मीर को छेड़ने का काम किया है। कश्मीर हमारे देश में शरीर में एक फोड़े की तरह हो गया था और इस फोड़े से पस निकल रहा था, समझ लीजिए। पत्थरबाज मार रहे हैं हमारे सैनिकों को, रोज हम मार रहे हैं आतंकवादियों को, आतंकवादी मार रहे हैं रोज हमारे सैनिकों को। पुलवामा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बॉर्डर पाकिस्तान से फायरिंग हो रही है रोज। हम राजस्थान के लोग तो बहुत बेहतर जानते हैं, झुंझुनू में और जगह जगह पर रोज सैनिकों की शहादत के किस्से और शव आते हैं। तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मोदी है तो मुमकिन है। और उन्होंने आज जो कदम उठाया है, हो सकता है कश्मीर के लोग इससे सहमत ना हो जी, या कश्मीर का आवाम या कश्मीर के लीडरान इससे सहमत ना हो, और जो एहतियातन उनको नजरबंद किया गया है और जो एक तरह कर्फ्यू जैसे हालात है कश्मीर में, सेना भेजी गई है, इसीलिए किया गया कि कोई भी रिएक्शन हो तो उससे निपटा जा सके। लेकिन ये जो कदम उठाया गया, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? एक तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कश्मीर में अक्सर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता जी,
15 अगस्त 26 जनवरी पर भी नहीं फहराया था। और मुरली मनोहर जोशी ने यात्रा निकाली थी, लोगों को याद होगा, तो तिरंगा फहराऊंगा लाल चौक पे जाके जी। तो अपने ही मुल्क के एक हिस्से में जाकर तिरंगा फहराने का संकल्प लेना पड़ा, यात्रा करनी पड़ी। वो इसलिए कि कश्मीर में अलग झंडा था, अलग संविधान था, अलग नागरिकता थी। भारत में दो नागरिकताएं उन लोगों के पास थी जो कश्मीर के रहने वाले थे, कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता। और सबसे पहली सबसे बड़ी बात ये कि जब भारत का कोई व्यक्ति अदर देन कश्मीर किसी स्टेट का जी कश्मीर जाता था, लोग उनसे पूछते थे भारत से आए हो क्या जी, यानी कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसा ऐसा बातचीत में लगता था जी। तो आज सबसे बड़ी बात ये, अलग झंडा खत्म हो गया कश्मीर का, कश्मीर की अलग नागरिकता खत्म हो गई, कश्मीर विधानसभा को जो प्रिविलेज मिले थे 6 साल की विधानसभा थी वो 5 साल की हो गई वापस जी, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, सीधे लद्दाख में लोकसभा का चुनाव होगा जैसे अंडमान निकोबार में होता है, वहां से एक सांसद आता है जी, लद्दाख से एक सांसद आया, लेकिन वहां विधानसभा का चुनाव नहीं होगा लद्दाख में, लद्दाख पूरी तरह अंडमान निकोबार की तरह केंद्र सरकार के कब्जे में आ गया। और लद्दाख चूंकि रणनीतिक पॉइंट है बहुत बड़ा भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान के बीच, इसलिए अब वो दरअसल सेना का शासन होगा वहां पे लद्दाख में, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये रणनीतिक वजह ये है इसकी कि वहां से सेना ऑपरेट कर सकेगी जम्मू कश्मीर में भी, और किसी भी युद्ध की आशंका की स्थिति में कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चीन इन सबके लिए लद्दाख में रहकर भारत सरकार का ऑपरेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बड़ा रणनीतिक फैसला लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश करने का, जिसको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ और इसकी रणनीतिक जो इसके इम्प्लीकेशन होंगे उनको बताना भी चाहता हूँ जी। दूसरा, अब जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्यकाल 5 साल का कर दिया गया 6 साल की बजाय, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश होगा, यानी उसका पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, विशेष राज्य का दर्जा तो खत्म किया ही गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया, वो दिल्ली जैसी स्टेट हो गई अब जी। इसका इम्प्लीकेशन ये, जैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल कई मामलों में लाचार है, वैसे अब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी कई मामलों में केंद्र सरकार के अधीन होगा, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वहां की पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेगी, केंद्र सरकार उस पुलिस की जिम्मेदारी लेगी, उस पुलिस के ऊपर अधिकार होगा केंद्र सरकार का, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार का और वहां के मुख्यमंत्री का, वहां के गृह मंत्री का अब जम्मू और कश्मीर की पुलिस पर अधिकार नहीं होगा, और सीधे केंद्र के गृह मंत्रालय से उसका ऑपरेशन किया जा सकेगा जी। इस तरह जम्मू एंड कश्मीर में जो बाधा आ रही थी सेना के सामने की, सेना वर्सेज पुलिस भी कई बार मामला हो जाता था, और पुलिस तो जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर काम करती थी, सेना भारत सरकार कहने पर काम करती थी, जो दोहरापन था और कभी कभी आमने सामने भी आते थे, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस का जो रवैया था जी। वो कई बार कहा जाता है आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट भी होता था, और जम्मू कश्मीर की सरकार के कहने पर वो काम करते थे, वो अब जम्मू कश्मीर में जो भी चुनी हुई सरकार आएगी वो केजरीवाल सरकार की, जैसी ही केजरीवाल सरकार है वैसी ही सरकार होगी जी। और वहां की विधानसभा वैसी विधानसभा होगी, अब पूर्ण राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर के पास नहीं रह गया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, क्राइम को निपटने का काम केंद्र सरकार के हाथ में होगा, वहां की पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में। इसके अलावा 35A खत्म की गई, इसकी वजह से जो जम्मू और कश्मीर से बाहर शादी हो जाती है जम्मू कश्मीर की लड़कियों की जी, और उनके बच्चे जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते थे, या उन बेटियों की नागरिकता भी खत्म हो जाती जम्मू कश्मीर जिनकी शादी कश्मीर से बाहर हो गई जी, वो क्लॉज अब खत्म हो गया है, अब जो बेटों का अधिकार है वहां की संपत्ति पर वही बेटियों का अधिकार है, चाहे उनकी शादी राजस्थान वहां कश्मीर से बाहर हो जाए जी। और भारत का कोई भी नागरिक पहले कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, ये जो विशेष आर्टिकल था कि भारत से जाकर कोई भी आदमी वहां जमीन नहीं खरीद सकता, शेष भारत से, भारत तो कश्मीर भी है, शेष भारत से जाके अब वो अधिकार मिल गया है कि कोई भी भारतीय जाकर किसी भी राज्य से जाकर वहां पर जमीन खरीद सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, रोजगार दे सकता है, और जम्मू और कश्मीर जिस तरह की एक अलग विशेष राज्य दर्जा प्राप्त स्टेट थी कि वो हमारा हिस्सा है भी कि नहीं है, कई बार इसमें संशय होता था, तो उसको उस दूरी को मिटाने के लिए, खाई को खत्म करने के लिए, दीवार को खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम हाथ उठाया है जी। अब देखना ये होगा कि कश्मीरियत की हिमायती लोग जो है वो कश्मीरियत बनाए बनाम भारतीयता कोई लड़ाई न छेड़ दें, इस पर एहतियातन नजर रखनी होगी, और ये फैसला कश्मीरियत को भारतीयता के साथ जोड़ने, एकाकार करने और एकजुटता स्थापित करने और कश्मीर को वास्तव में भारत का हिस्सा बनाने का
काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। जी जी अनिल जी, बताएं कि संसद में भी आज जबरदस्त यहाँ पर हंगामा देखने को मिला, लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया किसी ने और किसी ने असंवैधानिक बताया इस फैसले के, तो आप दूरगामी जो परिणाम है विकास की दृष्टि से वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, इतिहास में एक न एक दिन ये होना था जी। सन 47 के लिए कोई जो नेहरू को दोषी ठहराते हैं, मैं नेहरू को दोषी नहीं मानता जी। आज के हालात और सन 47 के हालात बहुत अलग हैं। आज हमारा देश एक मुकम्मल देश है, अमेरिका की परवाह नहीं करता, चीन की परवाह नहीं करता। सन 47 में जिस तरह बंटवारा हुआ, खून खराबा हुआ, उस जमीन पर खड़े होकर देखिए कि पंडित नेहरू ने जब कबायली घुस रहे थे, पाकिस्तान कब्जे में ले रहा था कश्मीर के हिस्से को, उस समय नेहरू जी ने कश्मीर को बचाने के लिए जो कदम उठाया उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। वो उस वक्त की देन थी, उस वक्त परिस्थिति की जरूरत थी, लेकिन हमको उसको रिवाइज भी करना है, उसको संशोधित भी करना है। बदले हुए हालात में कश्मीर के साथ एक कदम आगे और बढ़ाना था, इसलिए काम किया गया। अब जो लोग इसको ये कहते हैं नए कदम को कि हाँ हिमायती लोग कि नेहरू ने गलती की, जिन्ना ने गलती की या शेख अब्दुल्ला ने गलती की, वो उस जमीन पर जाके खड़े नहीं हो पाते जिस जमीन पर खड़े होकर नेहरू ने फैसला किया था। उस दिन वो फैसला बिल्कुल सही था मेरी नजर में जी, वरना कश्मीर शायद नहीं बचता, हमारे साथ नहीं जुड़ता, आज कश्मीर का मुद्दा नहीं होता, लेकिन कश्मीर भी नहीं होता। अब नेहरू का फैसला सन 47 का फैसला था, 50 का फैसला था, उन 50 के हालात थे, आज वो हालात नहीं है, बदल गए, तो कश्मीर को भी बदलना पड़ेगा, भारत के एटीट्यूड को भी बदलना पड़ेगा, कश्मीर के एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा और नई इबारत लिखनी पड़ेगी। सन 2019 की तारीख में एक नई तारीख लिखनी पड़ेगी। इसलिए जो हल्ला कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण है उनके, कश्मीर में उनकी जो फॉलोइंग है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्षमा करें, और बहुत सारे देश भर में फैले हुए उनके समर्थक हैं। खासतौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा पार्टियों को लगता है कि कश्मीर पे कोई कदम उठाएंगे देश भर का मुसलमान रिजेक्ट करेगा, मैं इसे गलत मानता हूँ। देश भर का मुसलमान, देश भर का हिंदू, देश भर का ईसाई, देश भर का सिख जी, सब कश्मीर को लेके बहुत नाराज हैं, बहुत तकलीफ में हैं। हमारा कितना पैसा कश्मीर में सुरक्षा में खर्च हो रहा है, हमारे कितने बेटे वहां मारे जा रहे हैं, कितनी महिलाओं की किस दूर वहां पहुंचे जा रहे हैं, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं कश्मीर में। इस सब को देखते हुए एक न एक दिन ये कदम उठाना ही था, उठाना चाहिए था, उठा लिया गया है। अब हम इसमें किसी भी रूप में वहां की लोकल आवाम को भड़काए नहीं, बल्कि उसके जो संशय हैं, कुंठाएं हैं, उसके जो प्रश्न हैं, उनको हल करने की कोशिश करें, उनका समाधान करने की कोशिश करें जी, और उनको विश्वास में लें, इस विश्वास में कि इससे तुम्हारा कुछ गया नहीं है, बल्कि उस दिन को याद करो जो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आई थी, भारत की सेना नहीं होती तुम कैसे बाहर निकलते। तो ये पूरे एक देश के साथ सीधे सीधे जुड़ जाने का मामला है, इस इतने बड़े देश के साथ जुड़ के तुम गौरव हासिल करोगे, तुम सुरक्षा हासिल करोगे, तुम विकास की नई लहर तुम्हारे यहाँ आएगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, ये पत्थरबाज बच्चे कल कारखानों में काम करेंगे, औजार बनाएंगे, विकास करेंगे, नई नई कहानी लिखेंगे कश्मीर के विकास की। जी अनिल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बताते, राजनीतिक विशेषक अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक फैसले पर हमें विस्तार से जानकारी दी।